सॉरी लाइन कट गया था। मैं आप सबको सबसे पहले चिबाई बोलना चाहता हूँ। खुलुंखा, हाउ आर यू डूइंग, नदम्मो, नमिंगा टू एवरी वन। मैं बहुत दिन के बाद फेसबुक लाइव में आया हूँ। आई वॉन्टेड टू गिव यू सम अपडेट्स। और हाँ, मैं चश्मा पहन रहा हूँ, मेरा आई साइट मतलब रीडिंग क्लासेस के लिए है। एज के साथ लोग का आई साइट भी चला जाता है, लेकिन विजन हमारा एक ही है फॉर माय कम्युनिटी। तो मैं आज दिल्ली में हूँ, मेरा सवेरे मीटिंग भी हुआ है, दो तीन जगह में और मीटिंग है। आई वॉन्टेड टू गिव यू अपडेट क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि मेरे तिपरासा लोग समझे और जाने कि क्या डेवलपमेंट्स हो रहा है रिगार्डिंग आर मूवमेंट, रिगार्डिंग हमारा जो आंदोलन है, हमारा जो अधिकार है, उसके लिए क्या बात चल रहा है सेंटर में। तो सबसे पहले लेट मी अश्योर यू कि जब भी मैं दिल्ली में बात करता हूँ, मैं अपने बारे बात नहीं करता हूँ, हमारे तिपरासा के बारे बात करता हूँ। गॉड हैज़ गिवन मी एवरीथिंग। भगवान ने हमें सब कुछ दिया, घर दिया, छत दिया, खाना दिया, पैसा दिया, माँ बाप ने सब दिया। लेकिन जिंदगी में अगर आपको एक चीज खुद कमाना पड़ता है तो वो है अच्छा नाम। वो कोई माँ बाप, पैसा, संपत्ति आपको नहीं दे सकता है। और आपका बुबागरा जानता है कि मुझे अच्छा नाम तभी मिलेगा जब मेरे तिपरासा कम्युनिटी को कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलेंगे। हाँ, हमारा डिमांड है ग्रेटर तिपरा लैंड का, और वो रहेगा। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक बात को क्लियरली समझे कि तिपरासा को छोड़ के, इंडिजिनस नेटिव लोगों को छोड़ के, आप त्रिपुरा में कल्याण, उन्नति नहीं ला सकते। और आज ये पॉलिटिकल बात मैं नहीं कर रहा, तिपरासा को दिल में एक एक चीज है, एक दुख है। ये राज्य हमारा था, ये देश हमारा था, आज हम अपने ही राज्य में अपने अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं, शांति से फाइट कर रहे हैं, लेकिन क्यों है ये? तो मैं आपको थोड़ा अपडेट करना चाहता था। सबसे पहले टॉक्स एडवांस स्टेज में है, मेरी मीटिंग, हमारे समाजपति की मीटिंग्स, एडीसी, एमडीसी, एमडीसी की मीटिंग, एमएलएज की मीटिंग, हमारा मीटिंग हुआ है, और होम मिनिस्टर से भी हुआ है, मिश्रा जी से भी हुआ है, और होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से भी हुआ है। मैं एक बात अपील करना चाहता हूँ क्योंकि जो हमारे एनएलएफटी के लोग हैं, जो आज भी जंगल में है, बांग्लादेश में है, मैं आपको भी अपील करना चाहता हूँ कि शांति के लाइन में आइए। डोंट इंडल्ज इन वायलेंस। बंदूक से समस्या का हल नहीं होगा। आइए, अपना डिमांड रखिए, और हम सब पार्टी को से बड़ा होकर, ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा होकर दिल्ली में इस बार एक आवाज में अपना डिमांड रखें। देखिए, थानसा का मतलब यूनिटी होता है, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, टिपरासा का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा लैक ऑफ थानसा है। जब हम दिल्ली में एक आवाज में बात करेंगे, अपना कोई भी प्रॉब्लम हो, त्रिपुरा में पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो,
आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो, एक दूसरे के संग आपका बनता नहीं हो, वो आप अगरतला में छोड़िए, त्रिपुरा में छोड़िए, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी का भी हो, कांग्रेस का हो या आज बीजेपी का हो, जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करेंगे तो हमें तिपरासा का प्रॉब्लम को सामने रखना है, ना कि पार्टी पॉलिटिक्स करना है। पार्टी पॉलिटिक्स से कुछ नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन पार्टीज मिजोरम में भी है, मेघालय में भी है, नागालैंड में भी है, अरुणाचल में भी है, लेकिन जब वो दिल्ली जाते हैं तो वो अपना कम्युनिटी का इंटरेस्ट के बारे पहले बात करते हैं। हम लोग अपना कम्युनिटी के इंटरेस्ट के बारे बात नहीं करके एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, और जब हम लोग लड़ते हैं बाहर के आदमी के सामने, जब बाहर का आदमी देखता है कि तिपरासा से लड़ रहा है, तब वो लोग फायदा उठाते हैं, एडवांटेज लेते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर फाइटिंग विथ ईच अदर, दिस इज द टाइम टू बी पेशेंट। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हम लोग इतना आगे आ गए हैं, किनारा सामने है। आप नदी के किनारे आ गए हो और अगर अभी मैदान छोड़कर आप हट गए तो नुकसान आपका होगा, कम्युनिटी का होगा, और इसके बाद बार बार चांस नहीं मिलेगा। ये चांस जो हमें मिला है, ये बार बार ये चांस मौका नहीं मिलेगा, और ये मौका को अगर आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए आप ये मौका को गवा दोगे तो नुकसान नेक्स्ट जनरेशन का होगा, नुकसान आपके बच्चे का होगा। आज सब लोग बोलते हैं कि हमें, जब आप वोट करते हो, आप वोट क्यों करते हो? आप वोट करते हो क्योंकि आपको उनका लीडर पसंद है, आप वोट करते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये हमारे जाति का है। नेक्स्ट टाइम आप वोट करो तो आप अपना बच्चे का भविष्य को भी देखकर वोट करो कि मेरे जाने के बाद मेरा कम्युनिटी को, मेरा नेक्स्ट जनरेशन को ये बचा के रखेगा। एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने एक बात देखा है कि हाँ, एडीसी में हम लोग सब काम कर रहे हैं, लेकिन टाइम टू टाइम एडीसी में भी हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये एडवाइजर्स रखना बाहर से, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक आदमी का नाम नहीं लूंगा, और भी एडवाइजर्स हैं, ये ठीक नहीं। अगर आपको किसी का एडवाइस सुनना है तो अपने सीनियर्स का सुनिए, अगर आपको कोई एडवाइस सुनना है तो उनका सुनिए जो कम्युनिटी से है। ये बाहर से एडवाइजर्स रखना, जो लोग दिल्ली में बड़ा बड़ा सपना दिखाते हैं लेकिन ग्राउंड में कुछ नहीं होता है, वो ठीक नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आपको शायद लगेगा कि मैं एक व्यक्ति का नाम ले रहा हूं, मैं उनका बात भी नहीं कर रहा हूं, और भी एडवाइजर्स हैं। अगर आपको किसी को इंपॉर्टेंस देना है तो अपने सीनियर्स को दीजिए जिसने कंट्रीब्यूट किया है। मैं एडीसी को एक ही सलाह देना चाहता हूं, पैसा कम है मैं जानता हूं, लेकिन जब रिक्रूटमेंट हो तो आप सिर्फ अपने बारे या अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे मत सोचिए, पूरा त्रिपुरा के बारे सोचिए। कोई भी इंटरव्यू हो उसमें रिटन एग्जामिनेशन होना चाहिए, उसके बाद वॉक इन, उसके बाद इंटरव्यू होना चाहिए। इतने लोग आज भी जो टैलेंटेड है, क्वालिफाइड है, बेरोजगार है, उनके संग ना इंसाफी करके हम कभी भी अपने लोगों को जीत नहीं सकते। ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि पब्लिक ने हमें वोट किया है, इसके लिए ये मतलब नहीं है कि पूरा जिंदगी हम पावर में रहेंगे। हमारा भी दायित्व बनता है अपने लोगों को कुछ देने के लिए। हां, मैं जानता हूं कि एडीसी में पैसा कम है, लेकिन
सब तिपरा साहब को भी मालूम होना चाहिए कि 25 से 26 तारीख को हाई कोर्ट में वीसी इलेक्शन का हियरिंग आएगा। मैं विनती करता हूं, आशा करता हूं कि हाई कोर्ट हमारे विलेज काउंसिल में हमें न्याय देगा। लेकिन तिपरा साहब लोग, मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं, मूवमेंट करना बहुत जरूरी है। मूवमेंट करोगे, एक आवाज में बोलोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, तभी हमारे लोगों को कुछ मिलेगा। ये मैंने देखा है कि बहुत लोगों को लगता है कि कुछ नहीं है, आज हमें छोड़ देना चाहिए, हमें दूसरे पार्टी में चला जाना चाहिए। ये हार है। जब जीत सामने है, जब नदी का किनारा सामने है, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोल सकता हूं कि हम इतने आगे पहुंच चुके हैं कि हमें इस टाइम अगर हमने अपना कमजोरी दिखाया तो नुकसान हमारा होगा, हमारे बच्चे का होगा, हमारा दोहा का होगा और हमारे नेक्स्ट जनरेशन का होगा। क्या चाहिए आप? पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ ले लिया। जो लोग सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी बात करते हैं, मैं आप सबको और एक बात बोलना चाहता हूं, पार्टी से आपको कुछ नहीं मिलेगा, सरकार से आपको कुछ मिलेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं एक के संग दूसरे के संग छोड़ रहा हूं। मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूं, राहुल गांधी को रिस्पेक्ट करता हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी को रिस्पेक्ट करता हूं, मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं उन्हीं को समर्थन करूंगा जो हमारे लोगों को कुछ दे। और जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे बात करते हैं, डेमोक्रेसी के बारे बात करते हैं, मैं उनसे भी एक बात बोलना चाहता हूं, हां हम आपसे डिसएग्री नहीं करते, लेकिन आपने भी हमको क्या दिया? 25 साल तक एक सरकार रहा जिसने हमें कुछ नहीं दिया, हमें गरीब रखा। आज पहले हम अपना घर का प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, आपने भी हमें ध्यान नहीं दिया, तो आज हम चाहते हैं कि पहले अपने हम सॉल्व करें, अपना अधिकार हम ले लें, उसके बाद हम आपका लड़ाई या किसी और का लड़ाई के बारे बात करेंगे। लेकिन बात तो मानना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भी कम्युनिटी सबसे पीछे है, जिसका खुद का राज्य में उनका हक छीना गया, तो वो तिपरा सा है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि एक बात आप दिल से रख लीजिए, मैंने फिर से कहा है, मैं किसी का निंदा नहीं करता हूं, सबका अधिकार है, लेकिन अपने बारे कम सोचिए, कम्युनिटी के बारे ज्यादा सोचिए। और एक बात मत भूलिए, जब प्रद्योत माणिक्य दिल्ली जाकर बात करता है तो वो एक पार्टी के बारे बात नहीं करता है, पूरे जाति के बारे बात करता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि पार्टी से बड़ा जाति नहीं है। जो लोग दिल्ली जाकर कहते हैं कि मेरे पार्टी को आप कुछ दो, वो जाति का नुकसान कर रहे हैं, और जो लोग दिल्ली में जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझाते हैं कि आप मेरे जाति को कुछ दो तभी आपके पार्टी को कुछ फायदा होगा, वो ठीक बात है। मैं अपने लोगों से प्यार करता हूं, आई लव ऑल ऑफ यू ऑल, यू नो यू आई हैव डन अ लॉट, मुझे सुनना भी बहुत पड़ता है, लेकिन मैंने ये सब किया अपना जिंदगी को, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपको कुछ देना है। बहुत लोग इसका भी मजाक उड़ाते हैं, कुछ का मतलब क्या है? मैंने जो किया है, अगर आपके पास वो दम और हिम्मत और कैपेबिलिटी होता तो आप आज से 20 साल पहले कर लेते, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन जो आदमी अपने बारे ना सोच के
अपना स्वार्थ ना सोचकर अपना पूरा कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहा है। अगर आप मदद नहीं कर सकते हो तो मजाक तो मत उड़ाओ। टिपरासा लोग, हमने CWC बनाया है, आने वाले दिन में वहां में भी एक्सपेंशन होगा। मैं चाहता हूं कि और कम्युनिटीज के भी लोग उसमें इंक्लूड हो। अगले 10 से 12 दिन के अंदर मैं ब्लॉक कमेटी का प्रेसिडेंस अनाउंस करूंगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंस अनाउंस करूंगा। आप लोग रेडी रहिए और कोई भी आंदोलन कीजिए, वायलेंस से मत कीजिए। जब टिपरासा टिपरासा को मारता है ना, तो शर्म हम सबको होता है। ये टिपरासा टिपरासा को मार के कुछ नहीं मिलेगा, वायलेंस मत कीजिए। और जो मेरा विरोध करते हैं, मैं आपको एक बात बोलता हूं, आप मुझे मार दो, आप मेरा गला काट दो, मुझे गाली बको, लेकिन जब तक मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं लेके आता हूं, एटलीस्ट हमारा मूवमेंट को, हमारा अधिकार, हमारा राइट्स को दिल्ली के सामने नीचा मत करो। आई एम नॉट फाइटिंग फॉर माई पर्सनल गेन, आई एम नॉट फाइटिंग फॉर मनी, आई एम नॉट फाइटिंग फॉर समथिंग बिकॉज आई डोंट रिक्वायर एनीथिंग। आई एम फाइटिंग सो दैट आर इंडिजिनस नेटिव टिपरासा पीपल कैन हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, सो दैट वी कैन लिव द वे अदर कम्युनिटीज इन नॉर्थ ईस्ट आर लिविंग विद अ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट प्राइड, सो दैट आवर नेक्स्ट जनरेशन कैन सर्वाइव। I am not going to Delhi and asking for anything which is personal, but for my community. And my community will always be bigger than any political party, be it Tipra Motha or any other party. This is my message. मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूँ, चश्मा पहना हूँ, आप बताइए कैसे लगता हूँ, लेकिन don't worry, हम अपने लोगों के लिए कुछ लेकर आएंगे। शायद आपको एक महीना वेट करना पड़े, दो महीना वेट करना पड़े, लेकिन कुछ तो मैं लेकर आऊंगा। और इस बार हम जो भी करेंगे शांति से, लेकिन लेकर आएंगे। और अपना अधिकार, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार को हम छोड़ेंगे नहीं, हरगिज नहीं छोड़ेंगे। आई फाइट फॉर यू, आई फाइट फॉर अ ग्लोरी।